आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर सबसेट के बारे में। बेसिकली प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सबसेट हम ऑलरेडी जानते हैं कि कोई एक सेट है जिसको कि आप ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हो कि वो उसी के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हीं को यूज करके कोई और सेट बने हो, और वो सारे के सारे सेट क्या होंगे, वो इस सेट के क्या होंगे, सबसेट होंगे। ठीक है, ये चीज तो हम जानते हैं। अब प्रॉपर सबसेट में क्या होता है? देखो, सबसेट में जब हम नॉर्मल सबसेट बोले तो हमारे पास अगर ए सबसेट है 1, 2, 3, 4 और आपके पास एक कोई बी सबसेट है जिसमें कि लिखा हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, और एक सी सबसेट है मान लो लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4। अब देखो, यही एक एग्जांपल से सबको समझ में आ जाएगा। अब यहां पे अगर मैं बोलूं बी इज सबसेट ऑफ ए, तो ये सबसेट भी है और ये प्रॉपर सेट भी है, सबसेट भी है, इसे आप प्रॉपर सबसेट बोलोगे। पर अगर मैं बोलूं सी इज सबसेट ऑफ ए, सो दिस इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, दिस इज ओनली अ सबसेट, सिर्फ ये एक सबसेट है। मतलब यहाँ पे प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है कि भैया ए जो है बी के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर दो चीजें हैं, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो साइन है ये प्रॉपर सबसेट में नहीं आता है। ठीक है, इस साइन का मतलब ये होता है कि भैया वो कह रहा है कि ये वाला सबसेट और ये वाला सेट दोनों इक्वल है, ठीक है, और सबसेट भी है। इस वाले केस में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, पर इस वाले केस में आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर सबसेट है, ये प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन यही होती है कि ऐसे सबसेट जिनमें कि ए और बी सेट या कोई दो सेट जो है एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, ये कंडीशन है प्रॉपर सबसेट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे ऑपरेशंस के बारे में।